को लेके, इधर एडमिशंस को लेके। तो मैंने सोचा कि पहले कुछ आपको क्लियर कर दूं और फिर एक ब्रॉडली चीजें बता दूं। सबसे पहले एनआरआई सीटें क्यों लॉन्च की गई है? देखिए, बहुत क्लियर होते हैं कि भारत की सरकार या कोई भी सरकार इतनी दयालु नहीं है कि एनआरआई का ख्याल रखते हुए उन्होंने 15% सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एलोकेट कर दी है। सिमिलरली काफी जगह तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई सीट्स हैं, और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, एएमयू में है, जिपमर में है। तो इस तरह के कॉलेजेस में एनआरआई सीट्स हैं, राजस्थान के कॉलेजेस में है, हर जगह है। तो ये जो एनआरआई सीट्स है ना, ये बेसिकली पर्पज है सरकार का डॉलर में एक्स्ट्रा ज्यादा पैसे कमाना। तो एक बात आप एक गांठ बांध लीजिए बहुत सिंपल में कि एनआरआई सीट मतलब सुपर महंगी सीट, महंगी नहीं सुपर महंगी, ठीक है, मतलब सुपर महंगी। कहीं जगह ये डबल हो जाती है और कहीं जगह 40% ज्यादा है। छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, हरियाणा के प्राइवेट कॉलेज लास्ट ईयर मैंने अभी भी एनालिसिस किया था किसी के लिए, तो 75 लाख रुपए अगर रहना खाना मिला के पड़ रहा था तो नॉर्मल सीट में, तो एनआरआई सीट में वही खर्चा 1.5 करोड़ था, तो तकरीबन 50% ज्यादा। यह हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो अभी मैंने एक यूनिवर्सिटी के लिए एनालिसिस किया था, तो उनका 40,000 डॉलर, 30 लाख रुपए साल की फीस, तो 1.35 और 1.5 करोड़ था एनआरआई के थ्रू खर्चा और नॉर्मल था 1 करोड़। सो एनआरआई सीट प्राइवेट कॉलेजेस में 50% महंगी होती है और सरकारी कॉलेज में तो शायद हो 100% महंगी होती है। तो अगर हम हरियाणा के सरकारी कॉलेज की बात करें तो वो सबको 100%। सो देखिए, पर्पस सरकार का है एक्स्ट्रा पैसे कमाना है, ऐसा नहीं है कि एनआरआई की सुविधा है। तो जब भी कोई इंसान एनआरआई सीट के बारे में आप सोच रहे हो ना, तो आप ये सोचिए कि आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं, डॉलर में पैसे खर्च करने हैं, और कभी कभार वन टाइम देने हैं, कभी कभार ईयरली देने हैं। ये जो पैसे हैं ना, ये बाहर वाले अकाउंट से ही आने चाहिए, बाकी ना कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो जो मैंने आपको दिखा रखा है, क्योंकि कई कई कंसल्टेंट आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत डराते हैं। ऑफकोर्स एवरीथिंग इज ए प्रोसेस, हम भी हमारे सीट के लिए फीस लेते ही हैं, अलग से नहीं लेते, जो हमारा नॉर्मल पैकेज है उसी में दिला देते हैं। बच्चे के हिसाब से अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं, सिर्फ 2 पेपर एक्स्ट्रा लगते हैं, और 2 पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 2 पेपर बनवाने होते हैं आपके एनआरआई, एक होता है कि जो एनआरआई बाहर रहते हैं, तो जैसा हमने कहा कि जिस भी देश में वो है वहां के, वो इंडियन एम्बेसी में जाएंगे और ये एम्बेसी एक तरह से लेटर इशू करती है कि जिसको जिसके लिए भी आप एनआरआई क्लेम कर रहे हो वो इंसान वहां पर रहता है। तो जैसे आप दुबई में हो तो दुबई में इंडियन एम्बेसी, आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसी में जाके वो लेटर आराम से दे देते हैं। और दूसरा ये है एनआरआई की तरफ से फिर से स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, जो वो कह रहे हैं कि मैं स्पॉन्सर करने का तैयार हूँ उस बच्चे को, और इसमें फिर से वो सारी बातें खुद से लिख रहा है और उसे साथ में काउंटर साइन करा दिया उसी एम्बेसी से जहां पर आपने ये बनाया था। तो ये 2 कागजों का फॉर्मेट होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, गूगल करेंगे आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, राइट। तो ये 2 कागज हैं, मैं और स्लो कर लेता हूँ, ये 2 कागज आप अभी से बनवा कर सकते हो जो एनआरआई है। अब एनआरआई सीटें किसके लिए एलिजिबल है, तो आपको वो दिखाता हूँ जो कि एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ये था लास्ट ईयर हरियाणा का ब्रोशर। तो देखिए, हमेशा जो, और इसमें ना प्रायोरिटी होती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है एक्चुअल एनआरआई ओएससीआई पीयूसी कैंडिडेट हु बिलोंग टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये ना स्टेट बदलता रहता है, और डीम यूनिवर्सिटी में ये वर्ड आता ही नहीं है, समझाऊंगा मैं, क्योंकि हरियाणा का ब्रोशर था। तो कहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी हम उसको देंगे जो बच्चा खुद एनआरआई है और फंडामेंटली हरियाणा से बिलोंग करता था, क्योंकि अब अगर एनआरआई है तो अब तो हरियाणा में नहीं रहता ना। नंबर 2, फिर चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई, मतलब बच्चा है पर वो बच्चा इंडिया में रहता है, उसके पेरेंट्स एनआरआई है। तीसरा, फिर से बच्चा खुद एनआरआई हो गया और वो किसी भी और स्टेट से बिलोंग करता है अदर देन हरियाणा। अब यही 5 रूल जब आप मध्य प्रदेश में जाते हैं तो ये बन जाता है मध्य प्रदेश, हिमाचल में जाते हैं ये बन जाता है हिमाचल, राजस्थान में जाते हैं तो ये बन जाता है राजस्थान, ठीक। फिर चिल्ड्रन ऑफ वही एनआरआई जो कि उस स्टेट के बाहर से बिलोंग करते हैं। और सबसे जो कॉमन कैटेगरी वेरी फ्रेंकली वो नंबर 5 है, जिसमें कि बच्चे का, इस शब्द को ध्यान से दीजिए ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब ये होता है बच्चे का सगा चाचा ताऊ बुआ, क्योंकि आपके पिताजी के यही 3 सगे भाई बहन होते हैं ना, बच्चे की मौसी और मामा। ध्यान से देखिएगा, रियल ब्रदर एंड सिस्टर और फादर, मतलब कि चाचा ताऊ बुआ।
रियल ब्रदर ऑफ सिस्टर ऑफ मदर, मतलब कि मामा मौसी, फादर और मदर तो है ही, मतलब दादा दादी नाना नानी, फर्स्ट डिग्री पैटर्नल और मैटर्नल कजन भी चलते हैं। दैट मीन्स बच्चे का वही जो सगा चाचा है उसका बेटा, सगे ताऊ का बच्चा, बेट बेटा या बेटी कोई भी चलेगा, सगे मामा का, सगी बुआ का, सगी मौसी का। हिंदी में समझ गए आप ये पांच रिश्ते है ना, कि फादर के भाई बहन को हम चाचा ताऊ या बुआ बोलते हैं, और मम्मी के सगे भाई बहनों को मौसी और मामा, और मौसी होना चाहिए मौसा नहीं, ठीक है। हाँ लेकिन उनका बच्चा है तो फिर वो इसमें आ ही जाएगा, फर्स्ट डिग्री मैटरनल कजन। तो ये छह फैक्टर होते हैं और सच पर्सन इसमें बाहर रहना चाहिए। ये होता है तो एनआरआई में आप आ जाते हो, और फिर से लिखा हुआ है कि जो भी उसके कागज है, मेन तो यही दो कागज थे। अब हरियाणा आपको ये सारी चीजें दे रहे हैं, राइट, और हरियाणा में ये जो सीटें हैं ये सरकारी कॉलेजों में भी है, प्राइवेट में भी है, वही मैंने बोला जो मौत स्टेट्स में होता है। तो हरियाणा के सरकारी सीट के लिए भी आप एलिजिबल हैं। सोचिए पीजीएमएस रोहतक भी आप चाहें तो आपको मिल सकता है, बशर्ते कि आप वो $80,000 की फीस देने को तैयार हो, शायद $1,10,000, सॉरी जो लास्ट ईयर हरियाणा की फीस थी वो थी $1,10,000 पीजीएमएस रोहतक की, जहां पर ये सरकारी फीस है, और उतनी फीस थी जो प्राइवेट कॉलेजेस है एसजीटी के अलावा, एसजीटी की और ज्यादा है। तो ये सारा फीस स्ट्रक्चर कहीं तो लिखा हुआ था, समय लग जाएगा ढूंढ के बता दूंगा। तो मतलब हैवी फीस जाती है। मुद्दे की बात है भाई, अब पंजाब का ब्रोशर देंगे तो पंजाब ने सिर्फ ये दो बोले हैं, देखिए एनआरआई हूँ ओरिजिनली बिलोंग टू स्टेट ऑफ पंजाब, एनआरआई हूँ ओरिजिनली बिलोंग टू इंडियन स्टेट अदर देन पंजाब। तो पंजाब में जो एनआरआई की सीटें हैं जो कि सरकारी कॉलेजों में भी हैं, देखिए 13 सीट जीएमसी पटियाला में और अमृतसर दोनों में, ये सीटें सिर्फ उनके लिए हैं जो बच्चे एक्चुअली एनआरआई, चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई। तो जो याद है हमारी कैटेगरी 1-2 थी दोनों आ गया, हमारी कैटेगरी 1-2 थी ना, इसमें हरियाणा ने क्या अलग अलग करके लिखा हुआ था कि नंबर 1 एनआरआई, नंबर 2 चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई, पंजाब ने मिला दिया। तो पंजाब की दो कैटेगरी मतलब टोटल 4 कैटेगरी हो गई अगर हम हरियाणा से कंपेयर करें। क्या वो पेज समझिए बात को, जो हरियाणा की नंबर 1 और 2 कैटेगरी थी वो इन्होंने मिला दिया है पंजाब ने। लेकिन जो हरियाणा की नंबर 5 है पंजाब उसको नहीं मान रहा है। तो पंजाब कह रहा है कि भाई आप खुद, आप बच्चा या बच्चे के पेरेंट्स एनआरआई होने चाहिए, वो चाचे मामा नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए पंजाब में एनआरआई इतने हैं कि वो तो 5th नंबर पे पंजाब में जा ही नहीं रहे, सिर्फ नंबर 4 पे खत्म हो गया। तो जो नंबर 1-2 था उसको पंजाब ने इसमें मिक्स कर दिया, 3-4 था हरियाणा का उसको पंजाब ने इसमें मिक्स कर दिया, क्लियर हो गया। और यही एनआरआई के एलिजिबल हैं, इन्हीं में इनके एनआरआई की सीटें खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा तो जैसा मैंने कहा सरकारी कॉलेजेस में भी हैं, हर स्टेट में है, एनआरआई सीटों में स्टेट डोमिसाइल बहुत कम जगह लगता है, प्रायोरिटी दे देते हैं, जैसे इसमें कहा ना कि प्रायोरिटी है कि फर्स्ट प्रायोरिटी उसको है जो पंजाब से बिलोंग करता है। तो इस तरह से ना प्रायोरिटी दे देते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं करते कि भाई आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अक्सर जो सरकारी सीटें हैं वो तो स्टेट के डोमिसाइल को ही मिलती हैं, प्राइवेट बाहर वाले को मिल जाती है। डीम्ड में जैसे कि हम जानते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी स्टेट से बिलोंग ही नहीं करती, सो सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी की सारी एनआरआई सीटें पूरी इंडिया के हर एक ओरिजिनल बच्चे के लिए इन्वॉल्व है, उसमें कभी ये वर्ड नहीं लिखा होता स्टेट ऑफ पंजाब वाला, उसमें सीधा होगा नंबर 1 प्रायोरिटी एनआरआई, नंबर 2 चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई, और उसके बाद आपके कोई रिश्तेदार हैं, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में स्टेट का कोई रोल नहीं होता जैसा कि हम जानते हैं ना डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। तो ये सब है फीस स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा हैवी होते हैं, डॉलर में पैसे देने होते हैं, कुछ कॉलेजेस 1 शॉट में मांगते हैं, कुछ हैं जो स्लो स्लो मांगते हैं, क्लियरली लिखा होता है कि आपको एक बारी में ही पैसे देने हैं, कहीं लिखा होता है कि आपको धीरे धीरे देने हैं, मतलब हर साल देने हैं, ड्यून में हर साल देने होते हैं। इस तरह जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उसमें अक्सर मैंने देखा है 1 शॉट में देते हैं, हरियाणा में तो पक्का 1 शॉट ही था, मैं आपको पीएच निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है, तो अभी समय है आपके पास, और सबसे बड़ी बात कई लोग मुझे फोन करते हैं सर एनआरआई में है बच्चे की मौसी है मामा है, मैंने कहा एक बार कंफर्म कर लो कि क्या वो वाकई 100,000 डॉलर मतलब 80 लाख रुपए डॉलर में भेजेंगे आपके बच्चे के लिए और बदले में आप उनको कैश दे दोगे। जब ये बातें जाती हैं शक है, बहुत अक्सर लोग इन्हों पलट जाते हैं, पलटी मार लेते हैं
कि नहीं सर, उन्होंने पूछा वो तो यहाँ वहाँ के बहाने मार रहे हैं। मैंने कहा यही तो सच्चाई है। अब ये देखिए, हरियाणा का आ गया MBBS कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज, $1,25,000, राइट। तो PGMS होता वगैरह में $1,25,000 फीस थी। और जो इनके आदेश वगैरह कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, इसमें शायद $1,10,000 थी NRI फीस, $1,10,000, मतलब सरकारी की इससे ज्यादा हो गई है। PGMS रोहतक की जो फीस है गवर्नमेंट में, वो उससे ज्यादा है NRI की बात कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। तो ये है, तो सस्ता मत समझिए। बस शौक रहते हैं लोगों को कि भाई मेरा बच्चा PGMS रोहतक में पढ़े, तो उसके लिए आप इतनी हैवी फीस देने को तैयार है, प्रोवाइडेड आप NRI में फॉल करते हैं। ओके, सो आई होप कि ये आपको पसंद आएगा वीडियो। इस तरीके से आप हमारी कंसल्टेशन सर्विसेज चाहते हैं, 9643362320 पे कॉल कीजिए। मुझसे पहली बार बात करने के लिए आपको एक नॉमिनल अमाउंट देना होता है, 2,500 से लेकर 5,000 तक, डिपेंडिंग अमाउंट आपको कितना समय चाहिए पहली मीटिंग के लिए। और फिर डिपेंड हम बताते हैं कि आपको कौन सा पैकेज सूट करेगा, क्योंकि मेरा पैकेज 25,000 से स्टार्ट होगी, 1,00,000 तक जाता है। और अगर आपका काम 25,000 वाले पैकेज में हो सकता है, तो हम आपसे 1,00,000 रुपये चार्ज नहीं करते। और 1,00,000 रुपये का पैकेज आपके लिए सुटेबल है, तो 25,000 में हम आपका काम नहीं करते। आई एम प्रोफेशनल, जितना आपके केस पे मेरा समय लगने वाला है, क्योंकि ये सारे काम मैं खुद करता हूँ, मैं कोई छोटे टीम मेंबर स्टाफ नहीं है जो आपके लिए हेल्प कर रहा है। ऑफकोर्स वो मेरे को हेल्प करते हैं ऑपरेशंस वर्क में, पर आप लोगों से बात करना, आपसे डील करना, स्ट्रेटजी बनाना, आपके लिए रेगुलर आपसे टच में रहना, वो मैं पर्सनली करता हूँ। और उस चीज़ के मेरे पास तो समय लिमिटेड है ना, तो आई टेक ओनली 40-45 क्लाइंट्स इन अ ईयर, और उसमें मैं खुश रहता हूँ ताकि मैं उनको अच्छे सर्विस दे सकूँ। जितने भी आज तक मेरे साथ जुड़े हैं, आप किसी से ही पूछ सकते हैं, इस सभी के साथ हम डायरेक्टली बात करते हैं। सो नमस्कार, बाय बाय।